कुछ महीने पहले धोनी का ट्रैक्टर चलाते हुए वीडियो वायरल हुआ था। वो महज एक फोटोशूट नहीं बल्कि असल में उस वाहन का इस्तेमाल खेती के लिए हो रहा है। दरअसल आपको बता दें, करीब 3 साल पहले एमएस धोनी ने धुरवा स्थित सेम्बो फार्म हाउस में खेती और डेयरी का काम शुरू किया था। अब यहाँ सब्जियाँ भी उग रही है और दूध का उत्पादन भी किया जा रहा है। दरअसल रांची के होलसेल बाजार में पकड़ बनाने के लिए शुरुआत में धोनी इन सब्जियों को कम से कम दामों में बेच रहे हैं। फसल मंडी से थोड़े दूर धोनी का योसक पर ये सब्जियां बेची जा रही हैं। वहीं आपको बता दें, जानकारी के अनुसार मार्केट में गोभी सिर्फ 10 रुपए प्रति किलो जबकि टमाटर सिर्फ 30 रुपए किलो बिक रहा है। होलसेल मात्रा में लेने पर ये और भी सस्ता मिलेगा, लिहाजा मार्केट में सब्जियों का रिस्पांस अच्छा है। वहीं कुछ दिनों पहले धोनी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से 2000 कड़कनाथ मुर्गों के चूजे मंगाए हैं। जल्द ही बाजार में मटर, स्ट्रॉबेरी और कड़कनाथ मुर्गे के अंडे भी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। वहीं आपको बता दें, इसी बीच महेंद्र सिंह धोनी को लेकर एक बड़ी खबर भी सामने आई है। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि वो अब जल्द ही आईपीएल 2021 के लिए तैयारियां भी शुरू करने वाले हैं और हो सकता है कि जनवरी में महेंद्र सिंह धोनी फिर से क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हुए हमें नजर आए। खैर, आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूलें। LDNEWS रूम की रिपोर्ट।